Yes, today we will do lemmas related to open mapping theorem. Lemmas जो हमें किसमें यूज होने हैं, जो हमें ओपन मैपिंग थ्योरम में यूज होंगे. ठीक है, तो मैं सिर्फ अभी सिर्फ स्टेटमेंट टाइप ही लिख रही हूं, या दिमाग भी हम इसको कह सकते हैं कि आपने क्या प्रूव करना है. SXR is equal to x plus SR. This is number one and this is number two. ये हमने कहीं बेटा यूज भी किया था ये वाला concept, that is SXR is equal to x plus SR. ये हमने इसको हमने यूज किया था कहाँ पे, हमने boundedness principle में हमने इसको यूज किया था. अब मैं इसका प्रूफ देने जा रही हूँ कि how SXR is equal to x plus SR and SR is equal to R into S1. अब बेटा ये दो चीजें इक्वल हैं, मतलब ए सेट किसके इक्वल है, बी के. ए सेट बी के इक्वल हो मतलब ए इज कंटेन्ड इन बी एंड बी इज कंटेन्ड इन ए, या हम इफ एंड ओनली इफ से भी चल सकते हैं. ठीक है, तो वहीं से चलेंगे. अब हम इसमें पॉइंट लेंगे, लेट हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं. पहला पॉइंट प्रूफ करेंगे SXR इज इक्वल टू एक्स प्लस एस आर, राइट. अब सबसे पहला क्या है, भी हम इसमें पॉइंट उठाएंगे, लेट y बिलोंग्स टू SXR, बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, इफ एंड ओनली इफ. अब आपको पता है जब पॉइंट बॉल में आता है तो इसका मतलब नॉन लीनियर स्पेस में है, तो y और x का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, लेस देन r. ठीक है, इसको हम एक छोटा सा नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने रख दिया norm of z. If and only if norm of z is less than r, where y minus x is equal to z. y minus x का नाम क्या रख दिया हमने, z, right? If and only if, अब हमें इसको थोड़ी सी पोजीशन इनको इनकी इंटरचेंज कर दी, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई बेटा, क्योंकि आप वो सारे y ढूंढ रहे हैं, y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, xz. और norm of z जो है वो किससे छोटा आ रहा है, वो r से छोटा आ रहा है. ठीक है जी, सो व्हाट यू हैव गॉट, इट इंप्लाइज इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू x प्लस z. अब ध्यान से देखना है, y x प्लस z के इक्वल है और z का जो norm है वो लेस देन r है. ठीक है, तो इफ एंड ओनली y इज इक्वल टू x प्लस z एंड, और ये जो आपके पास है, कैन आई राइट लाइक दैट, norm of z minus 0 is less than r, if and only if y is equal to x plus z and, अब ये वाला जो है ये क्या है, this is a, ये norm of जब मैंने लिख दिया इसका मतलब सारे z जो है वो किसमें आ गए, एक ऐसे आपके sphere में आ गए जिसका center 0 है और रेडियस क्या है r. तो y x plus z के इक्वल है और z एक इसमें आ रहा है, एक सेट है बेटा, एक ओपन बॉल में आ रहा है. इसमें आ रहा है ओपन बॉल, ओपन बॉल अपने आप में क्या है, एक सेट है. तो इफ एंड ओनली व्हाट यू विल राइट, y इसका मतलब ये पॉइंट. अब जी, अब z किसमें आ रहा है, z एक बॉल में आ रहा है, बॉल क्या है, एक सेट है, और पॉइंट जब बिलोंग करता है तो हम इक्वल टू का साइन नहीं डालते, हम बिलोंग का. अब इसका मतलब y बिलोंग्स टू x, तो वहीं पड़ा हुआ है, और इसका नाम है, अब यहां पे एक और स्टेप ऐड कर लीजिए, इट इंप्लाइज इफ एंड ओनली इफ y इज इक्वल टू x प्लस z, y इज इक्वल टू x प्लस z एंड z belongs to, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे एस आर. इसको हम क्या लिखेंगे, एस आर लिखेंगे. ठीक है, z belongs to एस आर. सो आपका रिजल्ट बन गया इफ एंड ओनली इफ y. अब z किसके अंदर है बेटा, z एक बॉल के अंदर है, बॉल क्या है, एक सेट है, तो इसका मतलब y belongs to x वहीं का वहीं, और z की जगह क्या आ जाएगा, एस आर. So SR is nothing but a ball with center as 0 and radius 1. So if and only if y belongs to x plus SR. So if and only if result chala hai, so what does it mean? Y kahan se uthaya tha? Y SXR mein se uthaya tha. Wo kis mein pahunch gaya? X plus SR mein. It implies
for all y belongs to SXR implies y belongs to, दोनों तरह से y belongs to x plus sr. It implies SXR is equal to x plus sr. It implies SXR is equal to x plus sr. Right? चलिए अब हम चलते हैं आगे सेकंड पार्ट, सेकंड लेमा, और इसको हम रिमार्क भी लिख सकते हैं. द सेकंड पार्ट वी वांट टू प्रूव दैट SR इज इक्वल टू RS1. सो व्हाट इज SR? SR इट इज अ ओपन बॉल विद सेंटर एज 0 एंड रेडियस इज 1. सो यू कैन राइट लाइक दैट नॉर्म ऑफ x इज लेस देन R. If and only if and equal to लिख रहे हैं, so can I write like that norm of x by r is less than 1? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, right? Norm of x by r is less than 1. ठीक है, क्योंकि हमने radius हम इसको नीचे ले आए हैं, right? अब हम थोड़ा सा इसका नाम बदलते हैं, ठीक है? हम इसका कोई नाम रख देते हैं, उसका इसका नाम हम रख देते हैं y. इस पूरे एक्सप्रेशन का नाम क्या रख देते हैं? y, right? So, आपका आ गया था SR is equal to x such that norm of x by r is less than 1. ठीक है, अब हमने norm of x by r का नाम रख दिया y. तो norm of x आपके पास क्या आ गया? r y. तो इसका मतलब x, x की स्पेसिफिकेशन क्या है आपके पास? अब x क्या है? r y. तो यहाँ आपके पास आ गया r y, और इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया? norm of y less than 1. अब r, r एक स्केलर है बेटा, उसको मैं बाहर निकाल दिया मैंने. norm of y is less than 1. अब ये क्या है? ये वही है y minus 0. तो ये बन जाएगा r, this is a ball with center as 0 and radius 1. So the short form is RS1. So therefore you can write SR is equal to R into S1 and SXR is equal to X plus SR. In dono ka hi center kya hai? 0. Lekin iska radius 1 hai. और इसका जो रेडियस है वो आर है. इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. सो दीज टू रिमार्क्स हैं जो हमारी ओपन मैपिंग थ्योरम में हम इसको यूज करेंगे, राइट? आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल.